तो ओके दोस्तों, फिर आप लोगों का एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर ऐसे अपलोड हुई हैं कि पबजी एंड टिकटॉक बैन होने के बाद उसे कैसे खेला जा सकता है, देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है एसके चौधरी, आप देख रहे हैं एसके चौधरी LPM चैनल। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे करते हैं। तो वीडियो बहुत ही वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब पर, तो उसको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारी फेक न्यूज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है। यूट्यूब, पबजी एंड टिकटॉक बहुत सारी 118 ऐप इंडिया में बैन हो चुकी हैं, जो कि चाइनीज थी, तो ये बैन हो चुकी हैं, पूर्ण रूप से बैन हो चुकी हैं। कोई कोई ऐप छोटा मोटा जो चल रहा है अभी, सैरिट वगैरह, वरना बड़ी बड़ी ऐप जैसे पबजी, टिकटॉक, वीमेट, लाइकी, ये सब बंद हो चुके हैं दोस्तों। तो ये सारे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि इस रेप बंद होने के बाद कैसे खेला जा सकता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये सब फेक न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, सब फेक न्यूज़ है। इसे बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा, इसे अब डाउनलोड नहीं हो सकता ये कभी भी, जब तक वो अब लॉन्च नहीं करेंगे भारत सरकार द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो पर ख़त्म करते हैं।